गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्सअप, आई एम सुधीर। सो टुडे द लेक्चर डिस्कस स्टार्ट। और देखिए आज का कोट्स सबसे सुंदर है, सबसे शानदार है। लोगों से डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो फल देने वाला है, आपका जो कर्म का फल देने वाला है, आपका जो परिश्रम का फल देने वाला है, वह ऊपर वाला है, लोग देंगे नहीं आपको। तो इसलिए आपको लोगों से फेथ करना गलत है। आप ऊपर वाले से फेथ करिए, अपने मेहनत से फेथ करिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि लोग जो कहते हैं वो कहने दीजिए। तो आगे चलते हैं और देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, आपको बताते हैं। आज का टॉपिक है हमारा विटामिन और महत्वपूर्ण प्रश्न। विटामिन से रिलेटेड, विटामिन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरीबेरी, यू नो इट, बेरीबेरी जो रोग होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से क्वेश्चन टू है, तो स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन थर्ड है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन दूध में कौन सी विटामिन दूध में विटामिन कौन सा होता है, और विटामिन में दूध में विटामिन कौन सा नहीं होता है। ये क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है, देखिए ध्यान देना होगा आपको कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है पूछ रहा है। तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता है, लेकिन विटामिन डी जो होता है वो दूध में पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन फोर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स होता है, रोग होता है। और विटामिन डी आपको धूप से भी मिलता है और दूध से भी मिलता है, धूप से भी मिलता है, ज़्यादातर विटामिन डी धूप से मिलता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन फिफ्थ है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? जो खून का थक्का होता है, इंग्लिश में आपको बोल सकते हैं क्लोटेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो क्लोटिंग होता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, क्लोटेशन ऑफ ब्लड, वो थक्का होता है खून का, वो विटामिन के की कमी से, विटामिन किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं होता है। अगर विटामिन के की कमी है आप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खून की कमी, खून की थक्का आपका नहीं होगा, खून का जो क्लोटिंग होता है वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी और प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन खून का थक्का विटामिन के की कमी से नहीं बनता है, थक्का नहीं बनता है, ठीक है। क्वेश्चन और फिफ्थ बी है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से तो बंझापन जो रोग होता है, बंझापन रोग, ये विटामिन ई की कमी से होता है। बंझापन जैसे लंबाई नहीं बढ़ती है तो उसको बंझापन रोग बोलते हैं, तो विटामिन ई की कमी से वही बंझापन रोग होता है। विटामिन सी की का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है, एस्कोर्बिक अम्ल जो है विटामिन सी के रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो ए और ई जो है ये वसा में मिक्सचर विटामिन होते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, ये घुलनशील विटामिन होते हैं ए और ई वसा में। क्वेश्चन नंबर एट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl जो होता है वो नमक का रासायनिक नाम होता है, आपको पता होना चाहिए। ये नमक का, साल्ट का, NaCl से साल्ट बनता है, तो ये NaCl जो होता है साल्ट का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए हंसाने वाली गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि N2O जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, थावन सोडा का रासायनिक नाम, थावन सोडा का रासायनिक नाम, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो थावन सोडा का रासायनिक नाम होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीतल 3-2 धातुओं का मिश्रण है, जो पीतल होता है वो किन दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो तांबा जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। 12 क्वेश्चन है, 12 कैल्सीफेराइल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेराइल, तो विटामिन डी के रासायनिक नाम ही कैल्सीफेराइल है, जो कि विटामिन डी के रासायनिक नाम है कैल्सीफेराइल। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने ही स्टार लगा दिया जाए ये कम पड़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि नेत्रदान करते समय आपके नेत्र में से किस भाग को स्टार किया जाता है और दान दिया जाता है, तो ये कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया आपके आँखों में कॉर्निया दिखाई देती होगी, एक कि ब्लैक कलर में आती है, ब्लैक कलर में कॉर्निया, वो कॉर्निया आपको दान दिया जाता है। क्वेश्चन 14 है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। क्वेश्चन 15 है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, देखिए पावर हाउस ऑफ द कोशिका, सेल ऑफ द पावर हाउस का सेल, तो माइटोकांड्रिया जो होता है, माइटोकांड्रिया में आपका सेल का पावर हाउस कहा जाता है, माइटोकांड्रिया इसमें सेल का पावर हाउस होता है ये, ठीक है, माइटोकांड्रिया ये क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा माइटोकांड्रिया के बारे में, तो ये पावर ऑफ द सेल होता है माइटोकांड्रिया, ये क्वेश्चन आ जाते हैं हर जगह। क्वेश्चन 16 है, 16 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, हमारे शरीर में रेड ब्लड जो होता है उसके कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जो होता है, बोन मैरो हमारे ब्रेन में होता है, ये बोन मैरो, तो ये इसका बोन मैरो जो होता है, ये बोन मैरो अस्थि मज्जा ये लाल रक्त को निर्माण करने में मदद करता है। क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगाइए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बीपी को नापने का मशीन सिग्नोमैनोमीटर होता है, सिग्नोमैनोमीटर ये बीपी को नापने में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर नापने का कार्य करता है। क्वेश्चन 19 है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, कंप्यूटर की या मोबाइल की परमानेंट मेमोरी क्या होता है, तो रोम जो होता है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं, RAM होता है, एक RAM होता है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है, वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, आपके फ़ोन में आपके कंप्यूटर में देखने को मिलेगी, लेकिन यह रोम है जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है, यह एक परमानेंट मेमोरी होता है, लेकिन यह टेम्प्ररी मेमोरी होता है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो टेम्प्ररी होता है, तो डिफरेंट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, देखिए कुछ तो आपको इसमें साइंस का क्वेश्चन मिलेगा, कुछ हिस्ट्री का मिलेगा, तो ये मिक्सचर क्वेश्चन है, आप लोग घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन मिक्स हो चुका है, तो ये मिक्स क्वेश्चन है आप लोगों के पास, तो कुछ विटामिन से रिलेटेड है, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिससे कि आपको रिवीजन हो सके, तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी, तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो था,
सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसमें उग्रवादी और उदारवादी दोनों डिफरेंट हो गए थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया गया था? 21 क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा चोल जो था, चोल एक राजा था जो कि राजा चोल था, वो प्रथम राजा था वो चोल, तो बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था वो। मुगल सम्राट सॉरी एक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से उठ रहा है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। 23 क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन में का जो मार्क है वो कहीं कहीं रिपीट है और कहीं कहीं मिस्टेक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 23, 24 यहाँ होना चाहिए, 25 है, सॉरी फॉर मिस्टेक, तो प्रिंटिंग में मिस्टेक है, तो इसको देखिएगा थोड़ा। तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? देखिए आप एक क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में कि 2014 का फुटबॉल वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। तो ये क्वेश्चन पुराना बहुत है, ये नॉट करंट नहीं है, ये अभी करंट नहीं है, ये क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है। तो ब्राज़ील में 2014 का ये जैसे क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग हो गया, ये आयोजित हुआ होगा या कहाँ हुआ है, तो ये चीज़ होना चाहिए क्वेश्चन में। ये ब्राज़ील में 2014 का जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो 2018 का जो फुटबॉल विश्व कप है वो किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस में हुआ था। ये क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, यहाँ से ये आयोजित हुआ था होगा यहाँ, तो रूस में हुआ था, ये रूस में, ये क्वेश्चन रूस में जो फुटबॉल विश्व कप देश में, ये रूस में 2018 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ था। तो आई होप कि आप लोगों के पास जानकारी गई होगी बहुत कुछ, विटामिन से रिलेटेड और महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों के सामने आया होगा साइंस का, हिस्ट्री का। तो आई होप कि आप लोग इंजॉय किए होंगे, तो ऐसे ही साथ देते रहिए, और जो PDF चाहिए तो आप लोग बताइए, टेलीग्राम में प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, जय हिंद।